आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जो वेट लॉस हम कैसे करें क्या करें, तो मैंने ऐसे किया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हूँ शिलता। बहुत दिनों के बाद एक्चुअली मैंने आज वीडियो शूट किया है एंड एक हफ्ते का मैंने पूरा ब्रेक लिया था। एक हफ्ता का है कि उससे भी ज़्यादा हो गया। आज श्रावण का फोर्थ मंडे है, फोर्थ वाला सोमवार है एंड मैंने जनरली जैसे व्रत रखती हूँ वैसे रखा है। और बस सुबह सुबह उठ गई हूँ, पूजा वगैरह हो गया है, चाय भी पी ली है, अभी बच रहे हैं 9:15। तो आज शाम को थोड़ा मंदिर जाने का प्लान है, देखते हैं क्या करना है क्योंकि बारिश होती रहती है। अब तो वो शाम को भी अच्छे से घूम नहीं पाता है, अभी सो रहा है। उसको थोड़ी सी मतलब खांसी तो नहीं हुई है पर थोड़ी सी थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, तो इसलिए उसे अभी कफ सिरप कल से शुरू किया है। कल बारिश के अंदर गए थे शॉपिंग करने, मतलब बारिश के अंदर नहीं, जब बारिश नहीं हुई थी तब निकले थे, पर जाके देखा बारिश हो रही। तो ये एक प्रिंट है, फुल स्लीव लिया था घर पर पहनने के लिए चिकू के लिए। सेम प्रिंट में कलर अलग अलग है, सो ब्यूटीफुल, फुल स्लीव्स में है। और यहाँ पे एक टी शर्ट, ये फ्रंट ओपन है, अगली टी शर्ट है, इसके साथ ही पैंट है, फुटबॉल पसंद आ गया देखो। से शेयर करने वाली थी मेरा वेट लॉस का रूटीन, जो कि मैं ग्रेजुअली एकदम वेट लॉस कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे जल्दी भी नहीं है वेट लॉस करने की, पर मैं जल्दी कर भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं डाइट भर के खाना वगैरह सब कुछ, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, ये सब मुझसे अभी नहीं होगा क्योंकि बेबी को भी संभालना है एंड ऑल्सो व्रत भी चलता है तो ब्रेक भी हो जाता है एकदम से। तो या मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कैसे मैं ग्रेजुअली वेट लॉस कर रही हूँ, और ये ठीक भी है। महीने में 2-3 किलो कम होना वो ठीक है, हफ्ते में 2 किलो कम करना वो थोड़ा मुश्किल है अब इस टाइम पे। माय लंच मेनू एवरी डे ढेर सारी सब्जियों के साथ एक साग बनती है, वो जो को भी मतलब साग होती है उसमें सब्जी वगैरह डाल देती हूँ, दाल बनती है उसमें भी मैं सब्जी डालती हूँ, आज जैसे लौकी डाली है। और यहाँ पे सलाद रहता है, खीरा एंड देन आलू एंड करेला जो बॉईल करके नमक और घी के साथ ये स्मैश करके इसे लेते हैं, हम बंगाली का फेवरेट है। इसके साथ आज पापड़ है, कभी कभी अंडा बॉईल रहता है या फिर फिश रहती है, तो ऐसा कुछ सेट करते हैं। तो ढेर सारी सब्जियाँ, साथ में दही भी होती है, पर आज दही थोड़ा लेट मतलब दूध आया था तो नहीं हो पाया। सो या मैं अपना जो खाना है वो टाइम टू टाइम ले रही हूँ, नींद जितनी भी हो रही है जब भी हो रही है कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं पूरी नींद ले पाऊँ। अगर मुझे रात को नहीं हो रही है तो दोपहर को उसके साथ थोड़ा बहुत सो जाती हूँ, पर जितना मैं कोशिश करती हूँ अपने आप का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर मैं ठीक रहूँ तो ही मैं अपने परिवार को ठीक रख सकती हूँ। तो ये है, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वॉकिंग कर लेती हूँ शाम को छत पर जाके, थोड़ा बहुत वॉकिंग 15-20 मिनट की वॉकिंग मैं कोशिश करती हूँ करने के लिए। और उसके साथ साथ तो घमासान युद्ध है ही, वो तो चलता ही रहता है। तो ये सब करते करते अपने खाने में मैंने जो क्वांटिटी है वो मैंने कम की है थोड़ी बहुत, जो मैं पहले खाती थी वो अब मैं थोड़ा सा कम खाती हूँ, उसके क्वांटिटी बेसिस मैंने कम किया है। पर हाँ, बार बार खाती हूँ, जैसे सुबह चाय बिस्किट हो गई एंड चाय मैं दूध वाली चाय पीती हूँ क्योंकि रात को जगना होता है तो सुबह उठ के वो कड़क वाली चाय जब तक मुझे ना मिले ना, और मैं दूध वाली चाय की फ़ैन भी हूँ। मैंने ब्लैक टी शुरू की थी, पहले मैं करती थी ब्लैक टी, पर वो अभी उतना मतलब अच्छा ही नहीं लगता है, नींद ही नहीं खुलती है। तो देखते हैं बाद में करेंगे फिर ब्लैक टी शुरू, पर अभी तो मुझे वो दूध वाली चाय ही चाहिए। तो दूध वाली चाय बिस्किट वगैरह सुबह सुबह रहता है। देन मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ, रोटी सब्जी पास्ता हो गया या फिर कभी ब्रेड ऑमलेट हो गया या फिर ब्रेड हो गया, तो ऐसा कुछ भी मैं करती हूँ। एकदम घर का खाना होता है, सादा खाना होता है, पर हाँ थोड़ा अल्टरनेटिव करती रहती हूँ क्योंकि रोटी सब्जी हर दिन अच्छी नहीं लगती। कभी पराठा हो गया, कभी आलू का पराठा हो गया, गोभी का पराठा हो गया, ये सब भी चलता रहता है बटर के साथ
एंड ऑल्सो कर्ड भी लेती हूँ जो कि जो भी कैलरी है वो बर्न हो जाए। एंड शुगर मैं पहले एकदम अवॉइड करके चलती थी, गुड़ के साथ चलती थी, पर अभी थोड़ा बहुत शुगर भी लेना पड़ता है स्वाद के लिए। अच्छा तो ये तो है, तो मैंने अभी क्या किया, वाइट शुगर को अल्टरनेटिव किया है ब्राउन शुगर के साथ। शाम को भी थोड़ा बहुत रहता है, मुरमुरा हो गया या फिर कभी पोहा को रोस्टेड कर लिया चाय के साथ, या फिर कभी नमकीन हो गया थोड़ा बहुत अगर दोपहर को ज़्यादा खाया है, या फिर शाम को थोड़ी उससे पहले एक डेढ़ घंटे पहले थोड़ी लस्सी ले ली, जूस ले लिया, फ्रूट ले लिया, कुछ भी ऐसा ले लेती हूँ। देन फ्रूट मैं कोशिश करती हूँ दिन में दो बार लेने की, एक ब्रंच के टाइम पे, ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में एक करती हूँ, लंच एंड इवनिंग स्नैक्स के बीच में कोशिश करती हूँ लेने की, पर रोज़ नहीं हो पाता है नेचुरली। एंड ऑल्सो चाय करने के बाद एकदम रात को जाके 9:30 से पहले कोशिश करती हूँ कि रात का डिनर हो जाए, उससे आगे नहीं हो पाता है क्योंकि बेबी का खाना बनाना रहता है, बेबी को खिलाना रहता है, देन उनका सब टाइम टू टाइम करके फिर मैं करती हूँ धीरे से आराम से, क्योंकि हमें खाना भी धीरे से खाना चाहिए, खाने में कॉन्सेंट्रेट करना है, अच्छे से चबा के खाना चाहिए। तो इस ये मेथड को मुझे फॉलो करते हुए मुझे आराम से सब काम निपटा के फिर मैं अपना लंच ब्रेकफास्ट या फिर ब्रेकफास्ट नहीं होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, पर डिनर कोशिश करती हूँ करने में। और हाँ, जो मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है, एकदम पहले भी करती थी, एकदम एम्प्टी स्टमक मैं वो जो आमंड है आमंड लेती ही लेती हूँ, और है मेरा रूटीन, और इसके बीच बीच में बेबी को खिलाती रहती हूँ, और बेबी का जो भी बचता है वो भी मुझे खाना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही मैं अपना जो अपना मील प्लान है ऐसा ही करती हूँ, रखती हूँ, एंड ऐसे करते हुए ही मेरे एक महीने में मैंने 2 किलो वेट कम किया है। एंड चांस है कि इस महीने भी देखते हैं बाद में कि 2 किलो और कम होता है कि नहीं होता है। एक्चुअली मेरा वेट प्रेगनेंसी के टाइम पे 65 तक आया था, देन उसके बाद 64-62 ऐसा कम होता गया, एंड नाउ अभी मैं 60 में हूँ, तो 60 से थोड़ा कम हो रहा है, आई थिंक 59 अभी हुआ है, मैंने परसों ही चेक किया था या कल चेक किया था, 59 हो रहा है। तो बस ऐसे एक महीने में अगर 2 किलो जाए तो भी ठीक है, क्योंकि मुझे 55 पे लॉक करना है। जो भी न्यू मॉम है या मॉम हो गए हैं उनको ये शायद इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली में, एंड आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन।